हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग शेयर करूँ समर स्पेशल जूड़ा। और जैसा कि समर में इस जूड़ा बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही इजी होता है बनाना, हर कोई फटाफट बना लेता है, तो आज मैं आपको दो तीन तरह के जूड़े बताऊंगी जो कि बहुत ईजी, आप बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। और फ्रेंड, जूड़ा एक ऐसा हेयर स्टाइल है जिसे आप वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर पे, किसी कोई भी ड्रेस आपने पहनी हो उस पर आप बना सकते हैं, बहुत ही क्यूट लगता है। और फ्रेंड, साथ ही मैं आप लोगों से कुछ हेयर टिप्स भी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, मैं आपको बताऊँ कि आप अपने हेयर को बहुत ही सुंदर, ग्लोइंग और स्वस्थ, हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या क्या करिए, जिससे कि आपके बाल हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और मुलायम, चमकीले और घने हों। किस कौन ऐसा है जिसे अपने बाल स्वस्थ, मुलायम, सिल्की पसंद नहीं होते हैं? तो चलिए मैं आपसे कुछ टिप्स जो शेयर कर रही हूँ आप उसे फॉलो करिए। आप पहले आप मेरे बालों को देख लीजिए, आप मेरे बालों को देख लीजिए कितने सिल्की, शाइनिंग, स्मूथ लग रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं चैनल पे दो तीन हेयर मास्क वीडियो शेयर की हुई है और वही हेयर मास्क मैं लगाती हूँ जिससे कि मेरे बाल इस तरीके के आपको दिख रहे हैं और बहुत ही सिल्की, स्मूथ हो जाते हैं बाल। फ्रेंड्स, आप एक बार उसे ज़रूर ट्राई करिए। आप उन तीनों हेयर मास्क की वीडियो देखिए, आपको जो भी हेयर मास्क में से अच्छा लगता हो आप उसे अप्लाई करिए और आपको भी मेरी तरह से हेल्दी, ग्लोइंग, सिल्की, स्मूथ बाल मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको हफ्ते में एक बार हेयर मास्क और दो बार हैवी ऑयलिंग करनी है, तभी आपके बाल स्मूथ, सिल्की, शाइन होंगे। जो भी आपको ऑयल पसंद हो उससे आप हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं। हेयर के लिए सबसे बेस्ट ऑयल कोकोनट ऑयल होता है फ्रेंड्स, आप उससे हैवी ऑयलिंग करिए। और नहीं तो मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी बहुत ही बढ़िया होता है, अगर आप लगा पाएँ तो मस्टर्ड ऑयल ही लगाइए, वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तब आप कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल मिला लीजिए, उसके बाद अपने बालों में हैवी ऑयलिंग करिए। ओवरनाइट आप इसे रखिए और सुबह आप मॉर्निंग में वॉश करिए, बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। आपके बाल बहुत ही सिल्की, स्मूथ और शाइनिंग होते हैं, साथ ही बहुत ही घने, मजबूत भी बनते हैं और बालों की थिकनेस भी बहुत ही अच्छी होती है। कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, ड्राई हेयर वालों के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। तो फ्रेंड, आप ये है कुछ टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपने बालों को सिल्की, स्मूथ, शाइनिंग और मजबूत बना सकते हैं। और अगर आप इसे 1 मंथ तक ऐसे ही फॉलो करिए, उसके बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे और आप बहुत ही खुश होंगे इस रिजल्ट से, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा फ्रेंड और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो आप इसे फॉलो करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस हेयर मास्क और हैवी ऑयलिंग को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपके हेयर में जो इचनेस, ड्राइनेस, स्कैल्प पे जो डैंड्रफ हो जाते हैं उससे आप छुटकारा मिल जाएगा। और अगर ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो हेयर फॉल भी रुक जाएगा और आपके बाल इसकी सिल्की, स्मूथ, शाइनिंग होंगे, मजबूत बनेंगे, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। तो चलिए आप चलते हैं हेयर स्टाइल की तरफ।